नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के सीरीज पर मैं बात कर रहा हूं और आज फिर मैं उत्तर प्रदेश की पांचवी सीरीज लेकर के आया हूं। पीछे हमने चार सीरीज पढ़ा दिया है, तो उस उत्तर प्रदेश के सीरीज का नोट बनाते रहिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आज हम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय क्या होता है। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय। हेडिंग हमारा क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय। आपकी हेडिंग क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण परिचय की अगर हम बात करेंगे, तो हमने चौथी वीडियो में एक बात बोला था कि किस जिले को किस उपनाम से जानते हैं। तो मैं बात किया था कि किस जिले को किस उपनाम से जानते हैं, जरा बात को समझिएगा। तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं अपने इलाहाबाद का नाम जरा समझिएगा, जिसका वर्तमान में नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो आइए मैं जरा बात करता हूं प्रयागराज के बारे में। अगर हम प्रयागराज न बोलें और कुछ नाम से पुकारें तो उसका परिचय हो जाता है कि भैया हम उसी का नाम ले रहे हैं। जरा समझिएगा उपनाम क्या होता है। जिसने बताया कि आपके गांव घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गांव के सभी लोग मुखिया जी कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं, हालांकि वो प्रधान जी नहीं होता है, लेकिन उसका नाम कोई जाने या न जाने, लेकिन कहा जाएगा प्रधान जी कौन है, तो उसका परिचय प्रधान जी के नाम से हो जाता है, उसी को बोलते हैं उपनाम। अगर हम प्रयागराज नाम न लें तो और कौन सा नाम लें कि प्रयागराज का परिचय आ जाएगा, मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। जरा समझिएगा कि मैं प्रयागराज के बारे में बात करने जा रहा हूं। प्रयागराज जिसे पहले जो है सबसे पहले इसे इलाहाबाद कहा गया था। तो प्रयागराज इलाहाबाद आप जानते हैं, बड़ा फेमस है, शिक्षा की नगरी भी लोग कहते हैं इलाहाबाद को। तो यह भी याद रखिएगा कि शिक्षा की नगरी कौन है, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा की नगरी जो है वो हमारा जो है बेटा इलाहाबाद है। अगर हम और कुछ भी बात करें तो इलाहाबाद का जो एक नाम है बेटा, वह नाम है संगम नगरी। तो संगम नगरी भी अगर हम बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं। एक और जरा बात समझिएगा बेटा कि संगम नगरी के बाद कौन सा नाम आता है, तो लोग बोलते हैं कुंभ नगरी। तो एक नाम और रखिएगा जिसका नाम है कुंभ नगरी। तो कुंभ नगरी के बारे में भी अब बात समझिएगा कि कुंभ नगरी, तो कुंभ नगरी भी अगर कोई बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि बात प्रयागराज की हो रही है। और अगर बात करेंगे लोग तो कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयागराज का नाम क्या है, तो प्रयागराज का एक और नाम है कि ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान भी हम प्रयागराज को बोलते हैं। एक बात और जरा समझिएगा बेटा, तीर्थराज अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि तीर्थराज नाम से इलाहाबाद प्रसिद्ध है, प्रयागराज प्रसिद्ध है, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थराज जिला कहा जाता है, तो अपने इलाहाबाद या प्रयागराज को क्या बोलते हैं, तीर्थराज भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, तीर्थराज। तो तीर्थराज भी अपने प्रयागराज को बोलते हैं। तो सबसे पहली बात जरा समझिएगा बेटा कि इलाहाबाद का परिचय आप जान ही रहे हैं इलाहाबाद। दूसरा बात शिक्षा की नगरी है। तीसरा बात जरा समझिएगा संगम नगरी। चौथा बात कुंभ नगरी। पांचवा बात कहेंगे तो ईश्वर का निवास स्थान, और आगे बात करेंगे तो तीर्थराज। तो इसको याद रखिएगा कि प्रयागराज को किन किन नाम से पुकारा जाता है, तो इलाहाबाद, शिक्षा की नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी, ईश्वर की नगरी, तीर्थराज। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, और इसको मिटाने के बाद मैं अगले पे बात करने जा रहा हूं कि आगे क्या मैटर है, जरा समझिएगा। तो आगे का मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप एक बार लिख लेंगे, तो एक बार आप स्क्रीन शॉट लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, याद रखिएगा। तो प्रयागराज के बारे में आप जान गए, प्रयागराज इलाहाबाद का ही नाम बदल दिया गया है आदित्यनाथ योगी के जमाने में, है ना, जरा इस बात को भी समझिएगा। और आगे आइए बात कर लेते हैं कि आगे क्या है। तो उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि
उत्तर प्रदेश का सो विंडो, उत्तर प्रदेश का सो विंडो। तो उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सो विंडो कहा जाता है नोएडा को। किसको कहा जाता है? नोएडा को। तो उत्तर प्रदेश का सो विंडो जो कहा जाता है बेटा, वो नोएडा को कहा जाता है। एक बात और समझिएगा, बड़ा शानदार बात करने जा रहे हैं। आप सुने होंगे राम जन्मभूमि, है ना बेटा, आप सुने होंगे राम जन्मभूमि। तो राम जन्मभूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, जरा समझिएगा। साकेत धाम भी कहा जाता है। तो राम जन्मभूमि साकेत धाम कहा जाता है अपने अयोध्या को। तो इसको भी आप जरा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि एक हो गया। दूसरा हो गया बेटा साकेत धाम। तो साकेत धाम भी बोलते हैं, साकेत धाम भी बोलते हैं। और एक और है, उसका नाम है भू बैकुंठ। तो भू बैकुंठ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, उसका नाम है भू बैकुंठ। तो भू बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है अयोध्या। तो अयोध्या को किन किन नामों से पुकारते हैं? तो अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से ही पुकार लेते हैं, अयोध्या को साकेत धाम के नाम से पुकार लेते हैं, उसके बाद इसको हम पुकार लेते हैं भू बैकुंठ। तो भू बैकुंठ के नाम से भी जो है बेटा आप अयोध्या को पुकारते हैं। तो इस बात को भी अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा आप जान लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? राम जन्मभूमि से कभी नहीं बनाएगा, साकेत धाम से बना सकता है और भू बैकुंठ से बना सकता है। पूछ देगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को भू बैकुंठ के नाम से जाना जाता है, तो उस जिले का नाम क्या है? अयोध्या। फिर क्वेश्चन पूछ देगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को साकेत धाम के नाम से जाना जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। आगे आइए बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं। तो याद रखिएगा राम जन्मभूमि, साकेत धाम और भू बैकुंठ के नाम से भी उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। और एक और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सो विंडो किसे कहा जाता है, उसको भी याद रखिएगा। तो भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा एक क्वेश्चन और, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। और एक बात और बोलते हैं लेदर सिटी। तो भारत का मैनचेस्टर और एक बात समझिएगा कि लेदर सिटी, तो लेदर सिटी के नाम से किस जिला को कहा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर या लेदर सिटी? तो ये बेटा है उत्तर प्रदेश का जिला है, उसका नाम है कानपुर। तो कानपुर को ही बेटा कहा क्या जाता है? मैनचेस्टर या लेदर सिटी। सिराज हिंद, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिराज हिंद के नाम से किस जिला को जाना जाता है, तो सिराज ए हिंद के नाम से जिस जिला को जाना जाता है, उस जिले का नाम है जौनपुर। तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, या एक बात और बोलते हैं जौनपुर को पूर्व सिराज। तो जौनपुर को एक नाम और बोलते हैं जिसका नाम है पूर्व सिराज। तो पूर्व सिराज के नाम से भी कौन जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो वह जिला जाना जाता है जौनपुर। याद रखिएगा ये सारा का सारा डाटा है, कहानी इतिहास में आएगी तो कहानी वही बताएंगे, आप डाटा नोट करते रहेंगे, है ना, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे आगे एक बात और समझिएगा, अच्छा अभी जो बताने जा रहे हैं वह जिला के बारे में जरा समझिएगा कि बड़ा शानदार जिला है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सोनांचल। याद रखिएगा बेटा सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, क्या हमने कहा? सोनांचल पावर कैपिटल। कैपिटल ऑफ इंडिया,
तो इसको बेटा बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। यह जिला बड़ी महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसे 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 सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया याद रखिएगा, तो सोनांचल पावर कैपिटल, इसको पी ही बना देते हैं, कैपिटल कैपिटल, हाँ, तो सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किस जिला को बोलते हैं? तो यह जिला का नाम है सोनभद्र। तो क्या बोलते हैं बेटा? सोनभद्र को बोलते हैं सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के किस जिले कहा जाता है? उस जिले का नाम है सोनभद्र। सोनभद्र से एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि सोनभद्र को कहा जाता है कि भारत का सबसे, मतलब भारत का वो जिला है जिसकी सीमा ज्यादा से ज्यादा राज्यों से मिलकर के उसकी जुड़ती है, मतलब टकराती है। तो सोनभद्र भारत का पहला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं अधिकतर राज्यों से, सबसे ज्यादा राज्यों से टकराती है, वही सोनभद्र है। एक बात और समझिएगा, बड़ा शानदार तरीके से बात करने जा रहे हैं कि आगे क्या कहा जाता है, जरा समझिएगा। तो सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोनभद्र को। एक बात और समझिएगा बेटा, आंवला नगरी किसे कहा जाता है, जरा बात को समझिएगा, आंवला नगरी। तो आंवला नगरी के बारे में जरा समझिएगा बेटा कि प्रतापगढ़ का नाम आप सुने होंगे, तो आंवला नगरी, आंवला नगरी नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो उसका नाम है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को बेटा आंवला नगरी कहा जाता है। आगे आमों का शहर किसे कहा जाता है? तो मलिहाबाद, उसको भी लिख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का शहर कहा जाता है। तो आमों का शहर जिसे कहा जाता है वह शहर है मलिहाबाद, मलिहाबाद। तो आमों का शहर जिसे कहा जाता है उसका नाम है मलिहाबाद, मलिहा। फिर से लिख देते हैं कि आमों का शहर जिसे कहा जाता है वह है मलिहाबाद, मलिहाबाद। अब बेटा मलिहाबाद को आमों का शहर कहा जाता है। और आगे अगर आपको बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा, तो बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, अपने जिला से संबंधित है, चंदौली से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के किस 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 जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो अपने चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। इसको कभी मत भूलिएगा, ये अपने 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 जिले की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। आगे समझिएगा बेटा, अमरुद नगरी किसे कहा जाता है? अमरुद नगरी, तो अमरुद नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो अमरुद नगरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को कहा जाता है। प्रयागराज जिले को जो है अमरुद नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे भी जरा नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में छह वर्ष पर कुंभ लगता है, मतलब के कुंभ लगता है, और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। तो इस बात को भी अगर कहीं लिखेंगे तो लिख दीजिएगा कि 6 वर्ष पर, यहां लिख देते हैं कि मिटा देते हैं बेटा, उसके बाद लिख देते हैं, याद रखिएगा। तो आंवला नगरी किसे बोलते हैं? तो प्रतापगढ़ को बोलते हैं, याद रखिएगा कि आंवला नगरी प्रतापगढ़ है। उसके बाद आप याद रखिएगा बेटा कि धान का कटोरा किस जिला को बोलते हैं? चंदौली को बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। अमरुद नगरी किसे कहते हैं बेटा? तो अमरुद नगरी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा एक से एक बढ़कर अमरुद पाए जाते हैं, वो अमरुद नगरी कौन सा है बेटा? तो प्रयागराज है। अभी क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6 वर्ष में कुंभ लगता है, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है? तो 6 वर्ष में कुंभ लगता है, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है,
है, प्रयागराज में लगता है बेटा, इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में छह वर्ष पर कुंभ लगता है और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। तो 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, उस जिले का नाम है प्रयागराज। तो ये भी याद रखिएगा कि 6 वर्ष पर कुंभ लगता है और जान देंगे 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। एक और जिला है बेटा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बड़ा शानदार जिला है, ताले की नगरी है ना बेटा। तो ताले की नगरी किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, अलीगढ़ को ताले की नगरी कहा जाता है। इसको भी जरा आप लिख लीजिएगा। तो मैं यही लिख देता हूं कि ताला की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ताला की नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। तो मैं उत्तर प्रदेश नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विशेष क्लास है, तो आप समझ लेंगे कि मैं सारा बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहा हूं, कोई बात भारत के संदर्भ में नहीं किया हूं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी कहा जाता है, तो अलीगढ़ जिले को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। सुहाग की नगरी, याद रखिएगा बेटा, इसको मिटा देते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। आगे आपको समझना पड़ेगा बेटा, बड़ा शानदार मैटर है, सुहाग नगरी, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो इसको भी जरा लिख लेंगे कि फिरोजाबाद जिला का नाम है। क्या नाम है? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां बोलते हैं सुहाग नगरी। सुहाग नगरी का मतलब होता है बेटा, जरा समझिएगा कि फिरोजाबाद जिले को सुहाग नगरी कहा जाता है। तो कांच की चूड़ियां यहां पे बनाई जाती हैं, तो कांच की चूड़ियों वाला नगरी कौन है, याद रखिएगा। तो फिरोजाबाद को ही बेटा, याद रखिएगा, फिरोजाबाद को ही कांच की चूड़ियों वाली नगरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कांच की चूड़ियों वाला नगर फिरोजाबाद को कहा जाता है। तो फिरोजाबाद को जो है कांच की चूड़ियों वाला नगर कहा जाता है। अच्छा, फिरोजाबाद को एक नाम और पुकारा जाता है, वह कौन सा नाम है? तो फिरोजाबाद को चश्मों का शहर कहा जाता है, यह भी आप लिख लीजिएगा। तो फिरोजाबाद को चश्मों का शहर कहा जाता है। तो फिरोजाबाद को चश्मों का शहर कहा जाता है, इसे भी जरा आप अपने पास याद रखिएगा। तो मित्रों, ये जितनी भी मैंने बात आपसे किया है, ये सारी बातें जो है अपने दिमाग में बिठा के रखिए, एक एक चीज नोट्स बनाइए, ट्रिक उरी के चक्कर में मत पड़ना। ट्रिक का हिंदी होता है धूर्तबाजी करना। तो धूर्तबाजी करने से एजुकेशन हासिल नहीं होगा। ट्रिक कहीं कहीं काम आती है, सारे सिलेबस में ट्रिक लगा दोगे तो मंडवा जीरो हो जाएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। तो ट्रिक मतलब धूर्तबाजी कहीं कहीं चलता है, हर जगह ट्रिक नहीं चलता है। तो मित्रों, इसको पूरा रट लेना, याद कर लेना, और याद करने का एक ही तरीका है कि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में इतना पढ़ दें कि वह हमेशा आपके दिमाग में चलता रहे। ट्रिक पूरी का कोई जमाना नहीं है, ट्रिक लेकर कोई काम मत करना अपने जीवन में, हमेशा परेशान रहोगे। नमस्कार, धन्यवाद।